क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रारूपित पत्ती के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। प्रारूपित पत्ती को बताएं, ठीक है ना। सर्वप्रथम ये सब अपन ने देखी पत्ती की संरचना, देखना तो सबसे पहले तो अपने पत्ती है चल बारह बाद में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले देखना है। जब पत्ती की संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से नजर आती है, इसकी आधी संरचना नहीं बाह्य संरचना, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, तना होता है, तने में छोटी सी आगे जा करके उभार निकलती है पत्ती के बगल से, एक ऊपर निकलता है एक नीचे निकलता है। ऊपर वाला तो उभार कहलाता है क्या, स्टिप्यूल्स। क्या कहलाता है, स्टिप्यूल्स। इंग्लिश में कहलाता है स्टिप्यूल्स, हिंदी में कहलाता है क्या कहलाता है, ऊपर कहलाता है। एवं नीचे वाले भाग में भी छोटा सा निकलता है, उसको बोलते हैं एक्जिलरी बड। क्या बोलते उसको, एक्जिलरी बड कहते हैं। और जहाँ से ये पत्ती जुड़ी रहती है, दोनों भाग बात समझ आ रही, एक ऊपर वाला कौन सा कहलाता है स्टिप्यूल्स, और नीचे वाला एक्जिलरी बड। ये पौधे में पत्तियाँ पाई जाती हैं, उसके बगल में आपको सब नजर आती है, ठीक है ना। तो यही अपन को एक पेज बना के चलना है कि पौधे में कोई पत्ती लगी होगी, उस पत्ती के ऊपर एक छोटा सा उभार होगा, उसका नाम क्या होगा, स्टिप्यूल्स होगा। और नीचे भी एक छोटा सा उभार होगा, उसका नाम एक्जिलरी बड होगा। क्या नाम होगा, एक्जिलरी बड। इस नाम की याद करते हैं अपन, दोनों हिंदी के चक्कर में एक्जिलरी बड करती। जहाँ पत्ती पाई जाती है उसको बोलते हैं लीफ बेस, पत्ती का आधार, पराधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, लीफ बेस कहते हैं। एक और नाम होता हाइपोपोडियम, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोपोडियम भी बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं पत्राधार या पराधार कहते हैं। यहाँ से पत्ती निकलती है। अब पत्ती जहाँ से शुरू होती है उसमें एक बैंडी पाई जाती है छोटी सी, फिर पत्ती शुरू होती है, देखा होगा, इसको बोलते हैं कैटियोल। क्या बोलते हैं इसको, कैटियोल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक और नाम होता है इसका मीजोपोडियम, क्या बोलते हैं इसको, मीजोपोडियम। हिंदी में बोलते हैं पाणग्रंथ, पत्ती जिसके द्वारा सली रहती उसे बोलते हैं पाणग्रंथ, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद में ये जो पत्ती होती है इसके बीच में एक सरा जाती है, जाती ना, उसका नाम होता है मध्यस्थरा। इंग्लिश में बोलते हैं मिडरिब, क्या बोलते हैं उसको, मिडरिब या मध्यस्थरा कहते हैं। सबसे आगे वाले भाग में नुकीला भाग होता है, देख रहा होगा पत्ती की आगे, देख लेना आज तोड़ लेना पत्ती को, देख लेना उसको बोलते हैं लीफ एपेक्स, क्या बोलते हैं उसको, लीफ एपेक्स बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं पत्राग्र, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्राग्र, ठीक है। फिर इसके बाद में इस मध्य सिरा से भी छोटी छोटी सिराएं निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं लेटरल वेन, क्या बोलते हैं उनको, लेटरल वेन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पाश्चो सिरा, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं पाश्चो सिरा। समझ आ रहा है या देख लिया, फिर लिख कर दी, तो ये हिंदी है ये इंग्लिश है। नेक्स्ट होता है अपना क्या, एक उसके बाजू वाला भाग जो एरिया कहलाता है उसको बोलते हैं लैमिना, पूरा क्षेत्र कवर कर रहा है जो, इसको क्या बोलते हैं लैमिना कहते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पत्रफला कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पत्रफला, ठीक है ना। इसी का एक नाम होता है एपिपोडियम, क्या बोलते हैं, भाषण मेरा पूरा भाग कौन सा है, एपिपोडियम। इसको क्या बोलते हैं, मेजोपोडियम, जहाँ से शुरू होता है उसको बोलते हैं हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम, मेजोपोडियम और बेटा एपिपोडियम। ये दूसरे नाम दिए गए हैं, दूसरे नामों से भी इसको बोला जाता है। ये कहलाती हमारी किसकी संरचना होती है, पत्ती की होती है, और ये हमें भाग याद रखना है। यही चित्र बना करके इसका वर्णन करना है, ऐसे कैसे, तो अपन बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, एक प्रारूपिक पत्ती या टिपिकल लीफ में निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या होता है, पत्राधार या लीफ बेस ऑफ हाइपोपोडियम, ठीक है ना, जो अभी हम पढ़ने पड़ाता है, जहाँ पर पत्ती पाई जाती है। यह पत्ती का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह तने से जुड़ी रहती है, दिमाग में पौधा पौधे के से जुड़ी हुई पत्ती नजर आनी चाहिए। और यहाँ से तुमको इसका वर्णन कर बता सकते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ हमें देखिए वो सबसे सरल हो जाता है, क्लियर। यह तने से जुड़ी रहती है, जिसके द्वारा तने से जुड़ी रहती है। कुछ पौधों में लीफ बेस
बेस खुला हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। क्या बोलते हैं उसको? पल्विनस लीफ बेस कहते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? परबंतल, ठीक है ना, परबंतल कहते हैं। नाम क्या बढ़िया है, पल्विनस लीफ बेस कहते हैं। तो लीफ बेस बन गया है जिसके द्वारा कुछ हुई है, जैसे आम पीपल आदि। अब पल्विनस लीफ बेस किसमें होता है? आम की पत्ती को देखना फूला हुआ रहता है जहाँ से पत्ती गिरी होती है तरह से, ठीक है ना। आगे पत्ती का वह भाग, दूसरी हरे कौन सी है, थोड़ा और आगे लगता गया। जबकि कुछ पौधों जैसे गेहूँ बाजरा आदि में यह लंबा तथा चौड़ा होकर के तने के कुछ भाग को घेरे रहता है। उसमें क्या पाया, लंबा होता जो तने को घेरे रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार के लीफ बेस को बोलते हैं सीथिंग लीफ बेस। सीथिंग लीफ बेस में क्या होता है, तने को कवर किए रहता है। दो प्रकार के लीफ बेस है, पल्विनस सीथिंग, पल्विनस खुला हुआ रहता है आम पीपल आदि, और सीथिंग लीफ बेस इसमें पाया जाता गेहूँ बाजरा। तो क्या यहीं से बना दें, कैसा बनाया बटन? हमने कहा फूला हुआ लीफ बेस डॉट 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 में पाया जाता है, बता दो किसे पाया जाता, फूला हुआ आम पीपल, ठीक है ना। तने को घेरा हुआ लीफ बेस किसमें पाया जाता है, गेहूँ बाजरा। और बता पाएगा जिसने ये थ्योरी पढ़ी, ठीक है। दूसरी हेडिंग है अपनी पेटियोल या पर्वत, पत्ती का वह भाग जिसकी सहायता से तने या शाखा से जुड़ी रहती है, जिसकी सहायता से तने या शाखा से जुड़ी रहती है उसे पर्वत तो कहते हैं। जिन पत्तियों में यह नहीं पाया जाता उन्हें सैसाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैसाल या आवृत, आमान नहीं वृत मान वृत, जिसमें वृत नहीं हो सकता आवृत, ठीक है ना, आवृत्ति या सैसाल बेस कहते हैं। नेक्स्ट होता है अनुपण या स्टिप्यू, ठीक है ना। कुछ पत्तियों में पर कुछ पत्तियों के आधार पर छोटी पत्ती के समान रचना पाई जाती है, बगल में पाई जाती है छोटी सी पत्ती के संरचना पाई जाती है, क्या बोलते हैं बेटा, स्टिप्यू कहते हैं। नेक्स्ट होता है पत्र फलक या लेमिना, पूरा एरिया क्या कहलाता है, लेमिना होता है। यह पत्ती का मुख्य भाग होता है जो कैसा होता, हरा एवं चपटा होता है, एवं यह प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोषण का काम करता है। पूरा पत्ती का जो चौड़ा हुआ भाग क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और क्या करता है, वाष्पोषण का काम करता है। यह होता है पत्राग लीफ अपेक्स फुलकीला वाला हिस्सा अंगिका। यह पत्ती का लीफ अपेक्स अग्रभाग होता है जिसे लीफ अपेक्स कहते हैं। बन जाएगा इसके नाम, और इसके बाद और कुछ होगा बन जाएगा। इस प्रकार से पत्ती की संरचना फिनिश होगी, ठीक है ना।